मुक्ति मार्ग में जो भागवत होती है उसमें वो मिट्ठू रखते हैं। क्या मिट्ठू? तोता। तोता हाँ, सुखदेव का नाम सुना है? सुखदेव का नाम नहीं सुना? व्यास का बच्चा, उसका नाम सुखदेव। सुख तोते को कहा जाता है। उन्हीं सुखदेव के नाम पर वो तोता दिखाते हैं। शिव बाबा जब आते हैं तो शिव बाबा के मंदिर में कबूतर भी रहते हैं और तोता भी देखने में आता है। तोता थोड़े समय के लिए आता है और कबूतर परमानेंट वहीं रहते हैं। वो कबूतरों के मुख से ज्ञान बाहर नहीं आता, अंदर ही अंदर बेचारे घुटघुटाते रहते हैं, घुड़कू। अगर किसी को सुनाना भी चाहे तो नहीं सुना सकते, ऐसी उनके अंदर घुड़क पैदा होती रहती है। वो कबूतर बुद्धि कौन है? है जो शिव बाबा के मंदिर में ही बैठ करके गंध करते रहते हैं, उनके गले में संदेश बांधा जाता है, वो संदेश खुद नहीं ले जाना चाहते, कह रहे गले पड़ गई। तो ईश्वरीय ज्ञान का संदेश उनके गले पड़ गया। ईश्वरीय ज्ञान का संदेश लोगों को देना ही पड़ेगा कि भगवान आया हुआ है। वो देने की उनकी इच्छा नहीं है, फिर भी देना पड़ता है। मेले से, मलाखड़े से, कॉन्फ्रेंस से, बड़े बड़े योग शिविर करके कैसे भी उनको संदेश देना ही देना है। अंदर में सच्चाई को समझते भी हैं, अंदर में राम बाप को पहचानते भी हैं। जैसे रावण राम को पहचानता था या नहीं पहचानता था? फिर भी मंदोदरी से कह नहीं सकता था कि राम भगवान है। ऐसे ही वो कबूतर बुद्धि है जो बाप का परिचय किसी को नहीं दे सकते। संदेश देंगे लेकिन परिचय नहीं देंगे। और फिर उनके मुकाबले तोते भी हैं। जो तोते हैं वो थोड़े समय के लिए जाते हैं, उनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई होती है, माने ईश्वर का ज्ञान कंठ हुआ पड़ा है, धड़ाधड़ सुनाते रहते हैं। उनको कहा जाता है व्यास के बच्चे सुखदेव। इसलिए जहां भागवत होती है तो तोता भी दिखाते हैं।